हाय दोस्तों, मेरा नाम इम्प्रिंट राय और आप देख रहे हैं स्टूडियो राय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर के ऊपर दूसरा पिक्चर को कैसे मर्ज करें। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेलेक्ट के ऊपर और यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और ये सिलेक्ट मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक पैनल खुलेगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी 45% करके आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे आउटपुट सेटिंग लिखा होगा। यहाँ पर आउटपुट लिखा होगा आउटपुट टू, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू लेयर एंड न्यू विथ मार्क पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए बैकग्राउंड यहाँ से हट चुका है। उसके बाद हम दूसरे पिक्चर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करके दूसरे पिक्चर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे और इस साइज को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। फोटो को एडजस्ट करके यहाँ पे हम राइट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए फोटो आ चुका है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिप मार्क पे क्लिक करेंगे हम। ये देखिए पूरा एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद नॉर्मल के ऊपर जाएंगे हम और यहाँ से हम स्किन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर एक और पैनल को ओपन करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम ब्रश टूल को ले लेंगे यहाँ से और हमारा बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो फ्रंट वाला ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस पर इसको ब्लैक करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे हम। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर और हम यहाँ पे सॉलिड कलर को चूज करेंगे। सॉलिड कलर चूज करने के बाद इस ब्रश को हम यूज करते हैं और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे हम। ये देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। उसके बाद सबसे ऊपर वाले क्लिप पे जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई को एक साथ ही प्रेस करेंगे। ये सब एक में मर्ज हो जाएगा इसका फोटो। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये हो गया यहाँ तक। फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेंडर के ऊपर आएंगे और लेंस फ्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस पर इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे करेंगे, इसको थोड़ा ये 50 जितना आपको अच्छा लगे उतना आपको यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये देखिए फोटो बन चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।